बच्चों, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के क्रम में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एल्कीन। एल्कीन में आज एल्कीन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके सारे रिएक्शंस हम देखेंगे, और इन रिएक्शंस में स्टीरियोकेमिस्ट्री को कैसे देखना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री वाइज रिएक्शंस कैसे होते हैं, उन्हें भी आज हम देखेंगे। Let's start the topic hydrocarbons, alkenes. Alkenes is also called olefins. Here, we have taken the example of ethylene. In ethylene, C double bond C length is 1.33 angstrom, whereas CH bond length is 1.08 angstrom. And the angle between CH is 1.7, and angle between H and H is 111.6. And both the carbons in ethylene is sp2 hybridized, these two. So this carbon and this carbon, both carbon is planar, so the complete structure is a planar structure. Planar structure. The unsaturated hydrocarbons having C double bond C with a general formula CnH2n. So this is the general formula of alkene. ये हमें याद रखना है कि CnH2n ये एल्कीन के लिए भी जनरल फॉर्मूला है और ये साइक्लो एल्केन के लिए भी जनरल फॉर्मूला है, साइक्लो एल्केन के लिए भी जनरल फॉर्मूला है। द वर्ड ऑलिफिन्स मीन्स ऑयल मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल, लोअर मेंबर ऑफ एल्कीन gives oily products on halogenation. Here, unsaturated carbon atom are sp2 hybridized with a trigonal planar shape, जो अभी हम लोगों ने देखा है, और CC bond length और CH bond length, ये सारा हम लोगों ने already देख लिया है, जो यहाँ पर diagram में भी दिया गया है, इस diagram में। एल्केन्स में सो चेन पोजिशन, चेन रिंग, फंक्शनल, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। द एग्जाम्पल C4H6 में ये डिफरेंट टाइप के आइसोमरिज्म को देखा गया है। यहाँ पर C4H6 has a 2 degree of unsaturation. And the one of the structure of C4H6 is this. One of the structure is this. One more structure is this, with triple bond, or two rings, or one cycle and one ring, one cyclic compound with one unsaturation, one cyclic compound with one unsaturation and one cyclic compound with one unsaturation. Next, the test of unsaturation, how to check that a compound does contain unsaturated bonds or bond. So by decolorize Br2 in CCl4, if we are going to react Br2 in CCl4 with C double bond C, Br2 in CCl4, तो यहाँ पर जो दो Br हैं ये वो यहाँ पर ऐड हो जाता है इस तरीके से, Br और Br2 in CCl4, इसकी जो कलर है वो डिसकलर हो जाता है, वो कलर हट जाता है। डिकलराइज
1% अल्कोहलिक केमनोफोर और बियर रिएजेंट्स, ये दोनों रिएक्शंस आगे आने वाले हैं, तो अभी इन्हें ड्रॉप करते हैं और आगे फिर इसे देखेंगे। नेक्स्ट इज ओजोनोलाइसिस डिसाइड्स द नंबर ऑफ सी डबल बॉन्ड सी इन द एल्कीन। ओजोनोलाइसिस रिएक्शंस में इसे हम अच्छी तरीके से देखेंगे जो अभी आगे आने वाला है। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो स्टेबिलिटी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा है। और यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के सीरीज हैं वो है सिमेट्रिकल एल्कीन विल बी मोर स्टेबल देन अनसिमेट्रिकल एल्कीन एंड ट्रांस एल्कीन विल बी मोर स्टेबल देन सिस एल्कीन। हम लोगों ने पहले भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखा था कि जो ट्रांस मॉलिक्यूल होते हैं एल्कीन के वो सिमेट्रिकल होते हैं। यहाँ पर एक सेंटर ऑफ सिमेट्री आती है जिससे कि आप दोनों साइड जाएं आपको सिमेट्री मिलती है, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। तो ट्रांस मॉलिक्यूल जो होता है वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है, और सिस एल्कीन या सिस स्ट्रक्चर जो है वो अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। अनसिमेट्रिकल होता है। तो यहाँ पर ये बताया है जो सिमेट्रिकल एल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन से ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो सिस एल्कीन ट्रांस एल्कीन से ज्यादा अनस्टेबल होंगे या ट्रांस एल्कीन सिस एल्कीन से ज्यादा स्टेबल होंगे। एक यहाँ पर सीरीज दी गई है, ये कंप्लीटली सिमेट्रिकल है बोथ वे। ये अगर मिरर यहाँ से कंसीडर करें तो यहाँ बोथ वे सिमेट्रिकल है, ये उससे लेस सिमेट्रिकल है, ये उससे भी लेस सिमेट्रिकल है, ये ट्रांस स्ट्रक्चर है, ये सिस स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन और दोनों हाइड्रोजन इस तरीके से हैं। तो ये जो सिमेट्री ऑर्डर है वो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। इस सिमेट्री में और भी कुछ फैक्टर्स आते हैं जैसे कि सी डबल बॉन्ड सी से जुड़े हुए कार्बन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है यहाँ पर इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतने ज्यादा सिमेट्रिकल होंगे। ये हम लोगों ने अपने हाइपर कंजुगेशन के टॉपिक में, जीओसी के टॉपिक में पढ़ा है, आप चाहें तो वो टॉपिक रेफर कर सकते हैं। नाउ द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय अल्फा बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन एंड देयर आर सो मेनी अल्फा बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन अमॉन्ग विच फर्स्ट इज डिहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ये हमारे पास एक हेलो एल्केन है जिसमें एक हेलोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसका अगर रिएक्शन हम अल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो ये हमें एल्कीन देता है। यहां पर ये हाइड्रोजन और ये हेलोजन रिमूव होता है और HX बॉन्ड बनाता है। क्योंकि ये हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल है इसीलिए इसे हम डी हाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं। व्हेन एल्काइल हैलाइड्स आर हीटेड विथ रिएजेंट्स लाइक इथॉक्साइड आयन और अल्कोहलिक KOH और NaNH2 और KNH2 और CH3COO-K+ etc. All these are strong bases. So यहाँ पर मीडियम जो है वो अल्कोहलिक है। यहाँ पर हम लोगों ने जो लिया है वो स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, एनी स्ट्रॉन्ग बेस एंड मीडियम इज अल्कोहलिक। अगर यहाँ पर मीडियम एक्वस लिया जाए तो जनरली एक्वस मीडियम में ये एक्स जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है
अगर यहीं पर एक्वस मीडियम में KOH लिया जाए तो ये जो OH माइनस है ये X को सब्स्टिट्यूट कर देगा और यहाँ पर हमें अल्कोहल मिलेगा और इलिमिनेशन के बदले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा जिससे हमें अल्कोहल मिलेगा। तो ये जनरली हमें याद रखना है कि अगर इसे इलिमिनेशन कराना है तो ये अल्कोहलिक मीडियम यूज करना है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और अगर हम एक्वस मीडियम यूज करेंगे तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन होकर यहाँ पर अल्कोहल हमें मिलेगा। अब कुछ एग्जांपल्स इसके देख लें। यहां पर इस पोजीशन पर एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे ET3N यूज किया गया है, ये बेस है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस है, टर्सरी बेस है। ET3 मतलब नाइट्रोजन के साथ तीन इथाइल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तीन इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये टर्सरी बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव होगा। और यहाँ पर एक्वस मीडियम नहीं है तो इस वजह से ये इलिमिनेशन होगा और ये H और ये X इलिमिनेट होकर यहाँ पर HX बनाएगा और ये हमें एल्कीन मिलेगा। ये सारे इलिमिनेशंस और सारे रिएक्शंस जितने अभी आ रहे हैं ये आगे भी आएंगे और हम लोग अभी इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे कि ये रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करता है। दूसरा एग्जांपल यहां पर है तो यहां पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और बेस के प्रेजेंस में इसे हीट किया गया है ताकि रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो। तो इस तरीके से यहाँ पर एक हाइड्रोजन हम इस कार्बन पे भी, यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट बनाया गया है वो इस कार्बन के CH3 के इस हाइड्रोजन को लिया गया है, तो इसके साथ अगर क्लोरीन निकल रहा है इसके साथ तो ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है, ये वाला A, और अगर इसके साथ क्लोरीन निकल रहा है इस हाइड्रोजन के साथ तो हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा है B। हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा है बी, तो ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। ये मेजर प्रोडक्ट कैसे होगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये एल्कीन से यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा जुड़े हुए हैं तो फिर ये हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा स्टेबलाइज होगा और यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम है, यहाँ टोटल अल्फा हाइड्रोजन 5 है और यहाँ पर टोटल अल्फा हाइड्रोजन 6 and 6 12 है, यहां पर एक हाइड्रोजन और यहां है तो ये 6 हो जाएगा, 5 + 1 = 6, ये 2, 3 और एक ये हाइड्रोजन, ये भी अल्फा कार्बन ही है, सी डबल बॉन्ड सी का ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, तो 3, 1, 4 है, ये वाला अल्फा कार्बन नहीं होगा। So, ये नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज 3 + 1 = 4, तो इस तरीके से नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से हम देख सकते हैं। अनदर एग्जांपल इज दिस एंड द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन अगेन इज मेजर प्रोडक्ट देन लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। This is another example. यहां पर अगर देखें तो less substituted alkene जो टर्मिनल पे डबल बॉन्ड है वो मेजर प्रोडक्ट है और more substituted alkene यानी बीच में जहां पर डबल बॉन्ड है वो माइनर प्रोडक्ट है। ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है, ऐसा यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो बेस हम लोगों ने यूज किया है ये काफी बल्की बेस है और ये आगे हम लोग जब देखेंगे डिहाइड्रोहैलोजनेशन के मैकेनिज्म को तो देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर बल्कि बेस लें तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से, वाटर रिमूवल से, व्हेन अल्कोहल्स आर हीटेड विथ dehydrating agents like H2SO4 at 170 degree, H3PO4 at 200 degree, P2O5, ZnCl2 at 350 degree centigrade, BF3, dry HCl, KHSO4, etc.
The alkene is formed as follows. इस रिएक्शन की भी मैकेनिज्म हम लोग आगे देखेंगे. It involves formation of carbocation followed by hydride or methyl or ring expansion to get more stable carbocation to get major product. यहां पर थोड़ा सा इसे मैं डिस्कस करता हूं. यहां पर OH है और ये H है, तो इसका जो वाटर रिमूवल होता है वो H प्लस डालने से, तो H प्लस ये ऑक्सीजन जो है वो अपना लोन पेयर इसको देकर इस तरीके से OH2 प्लस बनाएगा. अब OH2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, इसके वजह से ये यहां लीव करेगा और यहां पर कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा. अब जब भी कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा तो कार्बोकेटाइन फॉर्म होने के बाद वो मल्टीपल पाथ में आगे बढ़ सकता है. इसमें से जो फर्स्ट पाथ है वो है कि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बेस दूसरा बेस है वो यहाँ से हाइड्रोजन इसके जो बगल नेबर में हाइड्रोजन है उसको ले जाए और इलिमिनेशन करा दे. दूसरा ये हो सकता है कि ये बेस इसी कार्बोकेटाइन पे ऐड हो और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाए, और कार्बोकेटाइन जब भी फॉर्म होगा तो वो उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन के लिए ऑलवेज रीअरेंज भी कर सकता है. उसे ही यहाँ लिखा गया है रीअरेंजमेंट हाइड्राइड शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट या रिंग एक्सपेंशन के फॉर्म में हो सकता है. अब इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे. तो फर्स्ट इज दिस एग्जाम्पल, ये काफी इजी है. ये यहां से OH और इसका एक H निकला और एल्कीन हमारा ये बना. फिर सेकेंड एग्जाम्पल ये है, यहाँ पर OH है, ये इस साइड या इस साइड दोनों में से किसी भी साइड के हाइड्रोजन को ले सकता है और इलिमिनेशन कराकर यहाँ पर या यहाँ पर डबल बॉन्ड बना सकता है. लेकिन जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनाया गया है उसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड को बनाया गया है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो इस कंपाउंड में वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया गया है. इट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन या सी डबल बॉन्ड सी जो है वो टर्मिनल पे नहीं होके बीच में है. नेक्स्ट ये एग्जाम्पल है. इस एग्जाम्पल में जब यहाँ पर प्रोटोनेशन होता है H प्लस आता है तो इस तरीके से ये H प्लस आएगा. इसका एक मैकेनिज्म हम देखें तो देखेंगे कि यहाँ पर CH2 और H प्लस आने से ये OH2 प्लस होता है जिससे ये वाटर बन के रिलीज हो जाता है. वाटर इज गुड लिविंग ग्रुप एंड OH माइनस इज बैड लिविंग ग्रुप. तो ये गुड लिविंग ग्रुप और बैड लिविंग ग्रुप ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड चैप्टर में तो वहां पर देखेंगे अच्छे से. अभी ये जाने कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो गुड, जनरली जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो गुड न्यूक्लियोफाइल होते हैं और पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं, और जो वीक बेस हैं वो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं लेकिन पुअर न्यूक्लियोफाइल होते हैं. तो ये हमेशा सही नहीं है. अभी जस्ट इस चैप्टर में एक बेसिक लेवल पे हम लोग इसे मानकर चलते हैं. कुछ जगह इसका एक्सेप्शंस भी है और वो एक्सेप्शंस क्यों आता है उसे भी हम लॉजिकली देखेंगे जब एल्काइल हैलाइड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे. तो यहाँ पर जैसे ही ये वाटर रिमूव होगा तो ये एक कार्बोकेटाइन बनेगा, ये CH2+. अब ये कार्बोकेटाइन जो ये बॉन्ड है ये चार का रिंग में है, ये यहां से शिफ्ट होकर यहां जाएगा जिससे कि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इस कार्बन के, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और फिर आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा. यहाँ पर पांच का रिंग हो जाएगा और ये इस कार्बन पे जो ये कार्बन है वो कार्बन यहाँ पर है
और यहाँ पर हमें एक कार्बोकेटाइन मिलेगा, और फिर इसके नेबर से जो इसका कंजुगेट बेस होगा वो इसके नेबर से एक दूसरा हाइड्रोजन लेकर जाएगा, यहाँ पर से एक हाइड्रोजन लेकर जाएगा बेस, तो ये एच प्लस रिमूव हुआ और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन के एल्कीन होगा। तो ये एक रिंग एक्सपेंशन का एग्जाम्पल है कार्बोकेटाइन में। कार्बोकेटाइन्स के जितने भी रीअरेंजमेंट्स हैं, रिंग एक्सपेंशन है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन है, वो सब हम एल्काइल हैलाइड चैप्टर में अलग से अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है, और इस एग्जाम्पल में यहां से H2SO4 और हीट देने से इस तरीके के मैकेनिज्म से यहाँ पे H प्लस आए और ये H प्लस रिमूव हो तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर कंजुगेट बेस HSO4 माइनस है वो इस पोजीशन के हाइड्रोजन को लेकर जाएगा, तो ये एल्कीन ये वाला हमें मिलेगा। अब NBS जो है ये नॉर्मल ब्रोमो सक्सिनामाइड है, इसका काम होता है लो कंसेंट्रेशन ब्रोमीन प्रोवाइड करना, और ये जो एलाइलिक पोजिशन होते हैं एल्कीन के वहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराता है। तो इसका दो एलाइलिक पोजीशन है सी डबल बॉन्ड सी का, एक यहाँ पर एलाइलिक पोजीशन है और ये एक यहाँ पर एलाइलिक पोजीशन है। तो चूंकि ये सिमेट्रिकल है, पांच का रिंग है, तो यहाँ पर या यहाँ पर सेमी प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए यहाँ पर एलाइलिक पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूशन कराया, और फर्दर अल्कोहलिक KOH से ये डिहाइड्रो हेलोजनेशन होगा और यहाँ के H को रिमूव करके ये HBr यहाँ से रिमूव होगा और फर्दर ये कंजुगेटेड डबल बॉन्ड वाला एल्कीन हमें मिलेगा। नेक्स्ट इज डिहाइड्रो हेलोजनेशन और डाई हेलोजनेशन डेरिवेटिव। डीहेलोजनेशन नॉट डिहाइड्रो हेलोजनेशन, इट इज डीहेलोजनेशन। So, यहां पर हमारे पास है जेम डाइहेलाइड्स। जेम डाइहेलाइड्स वैसे हेलाइड्स होते हैं जिसमें एक ही कार्बन पे दो एक्स हो, इसे जेम कंपाउंड बोलते हैं, और अगर कंजुकेटिव दो कार्बन पर दो हेलाइड है तो इसे विशिनल डाइहेलाइड्स बोलते हैं, इसे जेम बोलेंगे और इसे विशिनल बोलेंगे। तो यहाँ पर जेम डाइहेलाइड्स लिया है, इसे ZN के साथ रिएक्शन कराया है, और यहाँ पे भी इसी डाइहेलाइड्स का एक दूसरा मोल लिया गया है, तो ये ZnX2 यहाँ से निकलकर और यहाँ एल्कीन बनता है। ये कुछ उसी टाइप का रिएक्शन है जिस टाइप से फ्रैंकलिन रिएक्शन में एल्कीन में कपलिंग, एल्केन फॉर्मेशन में कपलिंग होता है, यहाँ पर एल्कीन में ये कपलिंग हो रहा है और ZnX2 रिलीज हो रहा है। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, इट्स क्वाइट इजी, और हमने एल्केन चैप्टर में पढ़ा था। इस एग्जाम्पल को देखें, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में यहाँ से Cl2 रिलीज होगा, यहाँ से Cl2 रिलीज होगा, 2 मोल ऑफ ZN है तो 2 मोल्स ऑफ ZN Cl2 यहाँ से रिलीज होंगे और हमें ये कपलिंग वाला बॉन्ड जो एल्केन में फ्रैंकलिन में होता था उसी टाइप से यहाँ पर एल्कीन बनेगा कपल होकर। If we take two different types of zinc dihalides, then we obtain three different types of alkenes, जो कि हम लोगों ने एल्कीन फॉर्मेशन के टाइम में भी देखा था, वहां पर टू टाइप्स के डाइहेलाइड से तीन कंपाउंड बनते थे। इसमें क्या होगा कि इसके दो मोल से कपलिंग होने से हमें ये मिलेगा, इसके दो मोल के कपलिंग से हमें ये मिलेगा, और इसके एक मोल और इसके एक मोल के कपलिंग से हमें ये मिलेगा। इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज फ्रॉम विसिनल डाइहेलाइड्स। तो विसिनल डाइहेलाइड्स में टू कंजुकेटिव कार्बन पे हेलोजन्स होंगे, यहाँ जेड जिंक डस्ट डालने से और इसे हीट करने पर 300 डिग्री टेम्परेचर के अप्रोक्स जो ZnX2 बनकर निकल जाता है और यहाँ पर एल्कीन बनता है, ये दोनों एक्स रिलीज होता है ZN के साथ ZnX2 बनाकर। तो इस तरीके से विसिनल डाइहेलाइड्स के साथ भी रिएक्शन होता है।
यहाँ पर जिंक डस्ट के जगह पर सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब ये देखिए, इस रिएक्शन में यहां पर Br2 लिया गया है, तो इस डबल बॉन्ड पे BrBr ऐड कराया गया पहले। अब Br ऐड कराने के साथ इसे NaNH2 के साथ रिएक्शन कराया गया, तो ये जो Br है वो एक Br यहां से रिलीज हुआ है इस H के साथ, तो यहां से ये HBr रिलीज हुआ, तो ये एल्किन बना। फर्दर इसे NaNH2 के साथ रिएक्शन कराया गया, तो ये इस HBr को लेकर जाएगा और यहां पर एल्काइन हमारा बनेगा। नेक्स्ट इज बाय कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, और इसमें इट्स इजी। यहाँ पे दो कार्बन वाले ग्रुप हैं, CC ग्रुप हैं, तो C2H4 एल्कीन बनेगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा है और इस तरीके से कैथोड और एनोड पे डिफरेंट कंपाउंड्स हमें मिलेगा। नेक्स्ट इज द पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन। एल्काइन के पार्शियल रिडक्शन से एल्कीन मिल सकता है। अगर इसे कंप्लीटली रिड्यूस करें तो हमें एल्केन मिलेगा। जो लिंडनार कैटलिस्ट है यानी कि PDBSA4, ये अगर हम यहाँ पर डालें तो इससे हमें एल्कीन मिलेगा एल्काइन से। और एक बात ध्यान देने वाली है कि लिंडनार कैटलिस्ट है वो सिन एडिशन कराता है। सिन एडिशन, ट्रांस एडिशन या एंटी एडिशन, ये सारी चीज आगे हम लोग अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री जब पढ़ेंगे इसके रिएक्शंस की तो देखेंगे। द वीटिंग रिएक्शन। वीटिंग रिएक्शन इज अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन वेयर वी कैन मेक एल्कीन एट टर्मिनल पोजिशंस ऑल्सो। वीटिंग रिएक्शन में अगर हम यहाँ पर ये जो एल्डिहाइड यूज किया जाए, अगर इस पोजिशन पे सपोज करते हैं कि यहाँ पर अगर एक एल्डिहाइड यूज करें और ये यहाँ पर PH3PC इस तरीके से CH3CH3 लें, तो हमें C डबल बॉन्ड C यहाँ पर H और H और यहाँ पर CH3CH3, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये टर्मिनल कार्बन पे बनाने के लिए विटिंग रिएक्शन इज वेरी गुड मेथड। अदरवाइज क्या होता है कि जो दूसरे मेथड्स है जिसमें डिहाइड्रोहैलोजनेशन या डीहैलोजनेशन, ये सारे मेथड्स हैं, या फिर हम लोगों ने अल्कोहल को वाटर रिलीज कराकर जो एल्कीन बनाया, वो सारे रिएक्शंस में जनरली जो है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है, यानी सीसी डबल बॉन्ड जो है वो बीच में आता है। तो जो विटिंग रिएक्शन का मेथड है इसमें यलाइड यूज किया जाता है ये, और इससे हम लोग बनाते हैं एल्कीन जिसमें पॉसिबल है कि हम टर्मिनल पे भी सी डबल बॉन्ड सी को बना सकें। तो इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, तो पहले इसे इरेज कर लिया जाए। ये एग्जाम्पल है यहाँ पे CH3CHO PS3PCH2, तो इससे ये बॉन्ड जो है इस CHO बॉन्ड से ये सिंपली इस तरीके से ऐड होता है। अगर यहाँ पर देखें तो ये डबल बॉन्ड जो है इस तरीके से ऐड हो जाता है वेटिंग रिएक्शन में, तो यहाँ पर भी CH डबल बॉन्ड O है तो ये इससे ऐड हो जाएगा। So propene is our product. We have another example. एक कीटोन लिया गया है, तो यहां से इस कीटोन से C double bond O से यहां पर CH2 group, ये हिलाइड वाला CH2 group add हुआ है। Now the physical properties. First we'll see the physical state. From C1 to C4, it is colorless gas. C5 to C16, alkenes are colorless liquid, and C17 onwards, it is colorless waxy solids. Alkenes are colorless, odorless, lighter than water. Alkenes are insoluble in water but soluble in organic solvents. Alkenes have
slightly higher values of boiling point, melting point than alkanes, and the value of melting point and boiling point increases with the increase of molar mass. Cis alkane has more value of boiling point, dipole moment, relatively heat of hydrogenation, refractive index than trans alkane. Trans alkane has more melting point than cis alkane. It is due to light packing in crystal lattice in trans. Now the chemical properties of alkanes. The first is addition reaction of alkene. Alkenes show electrophilic addition reaction mainly with HX, H2, X2, HOH, HSO3H, which is H2SO4 actually, etc. As the pi electrons in the double bond are loosely held, it means they are easily polarizable and double bond is broken. For example, we will see the reaction of H2. The reaction occurs at the surface of catalyst like Rene nickel, PD, PT, etc. in a cis addition manner. Reducing agents like Wilkinson catalyst and NaBH4, PtCl2 can also be used here. Bridge reagent Na in liquid ammonia with alcohol can also be used in case of terminal alkanes. In this reaction is exothermic, and with the increase of steric hindrance, the reactivity of alkene decreases as follows. Due to the increase of steric hindrance, the reactivity of alkene decreases, which has a series shown here. Now, here we are seeing that this H2 is adding on this bond, and this gives us erythro enantiomers. Erythro enantio is basically when we are dealing with two chiral carbon centers, then the major group of this carbon, suppose this carbon and this carbon, if the major group are in same side, suppose OH and OH are in same side, then it will called erythro. And if this major group OH will be on opposite side, suppose here it is HH, here CH3 and here CH3. Similarly, here CH3, CH3, H and H. If this major group OH are in opposite side, then it is called thrio. In thrio, we have two terminal ended in opposite direction. So here we have two in opposite direction. In erythro, the two terminals are in same direction. So here it will be in same direction. So basically, इस तरीके से हम erythro और thrio को याद रख सकते हैं. तो यहाँ पर जो एक alkene दिया हुआ है, इसके H2PD के addition से दो erythro enantiomers हमें मिलता है. ये ध्यान दें, यहाँ पे cis है, यहाँ पर trans है, तो trans के केस में ये thrio मिलता है. तो cis के केस में जो दो major group है, वो same side है. और यहां पर जो प्रोडक्ट बना है, इसमें भी सेम साइड एडिशन हो रहा है H का. तो इस तरीके से ये सिन एडिशन है. यहां पर ये ट्रांस है और इसमें थ्रियो बन रहा है, तो ये भी सिन एडिशन है. सिन और एंटी का, सिन और एंटी एडिशन का प्रोडक्ट याद रखने का एक मेथड है. वो मेथड ये है कि अगर हमारे पास
जो गिवन एल्कीन है वो अगर सिस हो और इसमें सिन एडिशन हो, सिस का मतलब है कि इसमें जो दो मेजर ग्रुप हैं वो सेम साइड हैं, जैसे ये, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों सेम साइड है। तो सिस में अगर सिन एडिशन होगा तो जो एल्केन बनेगा उसमें जो मेजर ग्रुप्स होंगे वो सेम साइड होंगे। तो हमने देखा था पहले कि जो दो मेजर ग्रुप अगर सेम साइड हो, सपोज करें यहाँ पर OH OH का एग्जांपल हमने पहले लिया था, तो दिस इज कॉल्ड इरिथ्रो। तो अगर सिस एल्कीन में अगर सिन एडिशन हो तो ये इरिथ्रो एल्केन देता है, ये एल्केन देगा और वो इरिथ्रो प्रोडक्ट होगा, ई प्रोडक्ट होगा, इरिथ्रो एल्केन होगा। अगर सिस में एंटी एडिशन हो तो ये दोनों ग्रुप अपोजिट साइड आएंगे, एंटी का मतलब जो है उसके अपोजिट साइड से एडिशन होगा। तो यहां पर जो एल्केन मिलेगा वो 3O होगा। अगर सिमिलरली हम ट्रांस एल्कीन की बात करें तो इसके सिन एडिशन से, सिन एडिशन मतलब सेम साइड एडिशन, तो ट्रांस में जो दो ग्रुप हैं वो अपोजिट साइड हैं, जैसे कि ये और ये, और इसके सिन एडिशन से जो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3O इनेंसियोमर्स मिल रहा है, तो सिन एडिशन से एल्केन मिलेगा और ये 3O नेचर का होगा। और अगर इसका एंटी एडिशन हो तो ये पहले अपोजिट साइड था, फिर अब एंटी करेंगे तो सेम साइड आ जाएगा मेजर ग्रुप, और इससे जो एल्केन मिलेगा वो एल्केन इरिथ्रो नेचर का होगा। तो इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं और इसके मैकेनिज्म से भी इसे समझ सकते हैं। मैकेनिज्म मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मैकेनिज्म कुछ देर बाद या अगले टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा। इसे नोट कर लीजिए। विथ H2 ये याद रखना है कि H2 PT के साथ जो एडिशन होता है ये सिन एडिशन होता है। अब यहां आते हैं X2 के साथ एडिशन, तो X2 के साथ एडिशन जो होता है वो एंटी एडिशन होता है, और ये कैसे होता है वो भी हम इसके मैकेनिज्म से देख सकते हैं। और ये एल्केन्स रिएक्ट विद X2 इन CCl4 इनर्ट सॉल्वेंट टू गिव डाइहैलाइड्स इन इन द एडिशन इज एंटी एडिशन। इट इज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, हेयर द कलर ऑफ Br2 और H2O डिसअपीयर्स, Br2 इन H2O डिसअपीयर्स। तो इस तरीके से Br जो हैं वो अपोजिट साइड ऐड होते हैं, तो ये एंटी एडिशन है। अभी सिन और एंटी एडिशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अभी हम देखेंगे इसको। एन एंथैल्पी रिएक्शन प्रोग्रेस डायग्राम फॉर एडिशन ऑफ Br2 टू एन एल्केन। सो अगर ये एक एनर्जी डायग्राम देखें हम, तो सबसे पहले अगर थोड़ा सा हम देखें तो इसमें किस तरीके से ऐड होता है Br2, वो अगर एल्केन में देखें तो एक एग्जांपल हम इस तरीके का मॉलिक्यूल को लेकर कर सकते हैं। ये एल्कीन है और चूंकि ये दोनों मेजर ग्रुप सेम साइड है तो ये सिस है। अभी अगर हम इसे Br2 ऐड कराते हैं इन CCl4 और इन सम इनर्ट सॉल्वेंट, तो ये जो Br है ये बेसिकली 1 Br और दूसरा Br आपस में ब्रेक होता है, और एक Br वो पूरा इलेक्ट्रॉन लेकर डेल्टा माइनस, पूरा का पूरा माइनस और ये डेल्टा प्लस, इस तरीके से। हालांकि दोनों Br की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इक्वल है, लेकिन इस बॉन्ड पर ऐड होने के लिए ये बॉन्ड पोलर हो जाता है, जो कि हमने एल्कीन के फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था।
तो ये बॉन्ड पोलर हो जाने की वजह से इस पर जो एक इलेक्ट्रॉन ये अगर एब्स्ट्रैक्ट करता है तो इस तरीके से ये डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस में कन्वर्ट इजिली हो सकता है। तो यहां पर जो एक बी आर प्लस है ये इस पाई बॉन्ड पे अटैक होता है और इस तरीके का एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है जिसे हम ब्रोमोनियम आयन कहते हैं। यहाँ पर एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है और यहाँ पे बी आर प्लस, क्योंकि ब्रोमीन दोनों तरफ से बॉन्ड बनाया हुआ है तो ब्रोमोनियम आयन कहते हैं इसे, और ये ब्रोमोनियम आयन कहते हैं। अब जो दूसरा बी आर माइनस है ये चूंकि साइक्लिक है तो इस साइड से, इस ब्रोमीन के साइड से जाने के लिए स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो ये अपोजिट साइड से आता है और ये या तो इस कार्बन या तो इस कार्बन, दोनों में से किसी भी कार्बन पे ऐड होता है, जिससे हमें टू डिफरेंट इसके आइसोमर्स मिलते हैं। तो किसी भी एक पर अगर अटैक कराते हैं तो तरीके से देखें तो ये दोनों सिस सेम साइड था और अभी एंटी एडिशन हुआ है तो ये दोनों ग्रुप अपोजिट साइड आएंगे। CH3 CH3 विल हेयर, BR BR विल अपोजिट साइड एंड दिस हेयर। तो चूंकि यहां पर ये जो ब्रोमीन है वो ए पोजिशन और ब्रोमीन बी पोजिशन पर दोनों तरीके से ऐड हो सकता है, तो इसका एक हमें आइसोमर भी मिलेगा जिसमें ये ब्रोमीन इधर हो और ये ब्रोमीन इधर हो, एच इधर हो, तो इधर CH3 और इधर CH3। इस तरीके से दो प्रोडक्ट ए और बी के पाथ पर हमें मिलेगा। तो ये एक्चुअली एंटी एडिशन मैकेनिज्म है Br2 का, जिसमें इंटरमीडिएट जो है वो ब्रोमोनियम आयन होता है। तो ये नोट कर लें। और अब यहां पर एंटी एडिशन का एक सिंपल सा प्रोडक्ट बताने का मैं एक मेथड बताता हूं कि अगर जैसे हमने सिन एडिशन में पढ़ा था वैसे अब एंटी एडिशन में एक मैं मेथड आपको बताता हूं कि अगर हमारे पास जो एल्कीन है ये सिस नेचर का है और इसमें एंटी एडिशन हो रहा है तो ये सिस मतलब सेम साइड है तो इसका अपोजिट साइड बनेगा, मतलब कि ये 3O बनेगा। यहाँ देखें ये दोनों अपोजिट साइड है तो 3O प्रोडक्ट बना है। सो ये 3O एल्केन बनेगा। अगर यही हमारे पास सिस के बदले ट्रांस एल्कीन हो अगर हमारे पास एल्कीन ट्रांस है और ये एंटी एडिशन अगर जाता है तो हमें इरिथ्रो एल्केन मिलेगा। तो इसे याद रख के भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व किया जा सकता है और मैकेनिज्म से भी समझ के प्रॉब्लम इजीली सॉल्व किया जा सकता है। क्विक आंसर देने के लिए ये याद भी रखा जा सकता है और याद रखना काफी इजी है क्योंकि ये सेम साइड है, उसका अपोजिट साइड हुआ है तो अपोजिट प्रोडक्ट, एंटी साइड है, अपोजिट साइड है, उसका अपोजिट हुआ है तो अपोजिट का अपोजिट सेम साइड। इस तरीके से हम लॉजिक देख सकते हैं। अभी इसे इरेज करते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लें। ओके, अब ये जो ब्रोमीन ब्रोमिनेशन हुआ है एल्कीन का, इसका रिएक्शन प्रोसेस देख रहे हैं यहाँ पर, और ये इंथैल्पी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। तो फर्स्ट स्टेप में जो Br2 ये रिएक्टेंट का साइड है, यहाँ पर प्रोडक्ट का साइड है और ये मेरा ट्रांजिशन स्टेट 1, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 और ये इंटरमीडिएट है। ओके, तो
इस रिएक्शन में एक ब्रोमोनियम आयन का इंटरमीडिएट बनता है, और हमें हम लोगों ने पहले एनर्जी डायग्राम में देखा है जहां पर एक इंटरमीडिएट हो वहां पर दो ट्रांजिशन स्टेट होता है, और इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करता है। सेकेंड स्टेप में दूसरा ब्रोमीन आयन इसमें ऐड होगा, बी आर माइनस, यहाँ पर ये बी आर माइनस एड होगा अपोजिट साइड से, इस बी आर के अपोजिट साइड से, और ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये इसका एनर्जी डायग्राम, जो बहुत इजी है ड्रॉ करना। अब मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ हैलोजन बी आर टू, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, जिसमें एंटीसाइड से एडिशन होता है और बी आर टू से ब्रोमोनियम आयन बनता है, और फिर वो हम लोगों ने देखा है। अब कुछ एग्जाम्पल्स इसके देखें, तो ये ट्रांस टू पेंटीन है। ट्रांस मतलब इसके जो दो मेजर ग्रुप हैं वो अपोजिट साइड है, और इसमें अगर एंटी एडिशन होना है तो ये सेम साइड वाला देगा। तो ट्रांस का जो प्रोडक्ट है, अगर ये मेरा एल्कीन है ट्रांस, और इसमें हम एंटी एडिशन कराते हैं, तो ये अपोजिट साइड से ये सेम साइड आएगा और हमें इरिथ्रो एल्केन मिलेगा। ये एल्केन है वो हमें इरिथ्रो मिलेगा। तो यहां पर देखें इरिथ्रो इनेंसियोमर्स, अब चूंकि ये दोनों कार्बन पर ऐड हो सकता है अपोजिट साइड से, यहां पर एक ब्रोमोनियम आयन बनेगा। अगर इसके मैकेनिज्म को थोड़ा देखें तो ज्यादा क्लियर हो सकता है। ये इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर एच है और ये एच है। अब यहाँ पर जो है वो बी आर प्लस, बी आर टू से बी आर प्लस यहाँ पर ऐड होगा। सो बी आर टू इज नथिंग बट बी आर प्लस एंड बी आर माइनस। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पर पहले बी आर प्लस एड होता है, और बी आर प्लस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोफाइल, इस पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लवर है। तो इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर यहीं पर बी आर माइनस पहले ऐड हो रहा होता तो न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड होता, तो इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहते। ध्यान देने वाली बात है कि जो पहले ऐड होता है नाम उसी के अकॉर्डिंग होता है। अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करे तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करे तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होता है, और हम देखें कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है वो इस तरीके से बनता है। ये इथाइल ग्रुप है, यहाँ एच है, ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर ये एच है। अब जो दूसरा बी आर माइनस है वो या तो इस कार्बन पे या तो इस कार्बन पर एड हो सकता है। इसमें भी आगे हम देखेंगे कि जो ये दो प्रोडक्ट बने हैं एड होने से, इस दोनों में किसका परसेंटेज ज्यादा होगा, किस कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो थ्री मेंबर्ड रिंग है और ब्रोमीन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ब्रेक होने के लिए बहुत ईगर होता है। चलिए उसे भी डिस्कस कर ही लेते हैं अभी हम। तो एक्चुअली क्या है, इस तरीके से ब्रोमीन का जो बॉन्ड होता है तो ये ब्रेक होने के लिए काफी ईगर है, या तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा या तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर है हमारा इथाइल ग्रुप, यहाँ पर है हमारा मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर है एच, यहाँ पर है एच। तो अगर हम इसे तोड़ते हैं अभी, तो दोनों ये ए पाथ और बी पाथ दोनों तोड़कर दिखाते हैं आपको। तो अगर ए पाथ ब्रेक होता है तो इस तरीके से यहाँ पर इथाइल ग्रुप, यहाँ पर एच और यहाँ पर बी आर आएगा, और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। ये कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होता है क्योंकि ये थ्री साइकिल मेंबर रिंग है, तो जो बी आर माइनस यहाँ पर ऐड होने वाला है इस इधर एट दिस पोजिशन और दिस पोजिशन ऐड होने वाला है, उसके रेट से यहाँ पर जो बॉन्ड मेकिंग का रेट होगा बी आर माइनस से, उससे इस बॉन्ड के ब्रेक होने का रेट ज्यादा होगा। तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट होता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज में अगर ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हम समझें, और अगर ये बॉन्ड तोड़ा जाए, बी को तोड़ा जाए, तो जो सेकेंड कार्बन है
इथाइल वाला कार्बन, इस पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। यहाँ पर हमारे पास है मिथाइल और यहाँ पर है एच और यहाँ आ गया बीआर और यहाँ पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से ये ध्यान देना है कि ये दोनों बिल्कुल टूटकर ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिएक्शन एक दोनों में से एक कार्बन जो है वो बॉन्ड तोड़ेगा, ए तोड़ेगा या बी तोड़ेगा। तो ए या बी कोई भी बॉन्ड टूटे तो दूसरे जो बॉन्ड टूट रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वहां पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डबल अप भी होगा। अगर ए बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डबल अप होगा, अगर बी बॉन्ड टूटेगा तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डबल अप होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेकिंग का रेट है वो ज्यादा होता है बॉन्ड मेकिंग के रेट से। तो इस तरीके से देखें तो अगर ये कार्बोकेटाइन और ये कार्बोकेटाइन में हम डिसाइड कर सकते हैं कि विच वन इज मोर स्टेबल, और जो ज्यादा स्टेबल होगा उसके अकॉर्डिंगली वो इंटरमीडिएट ज्यादा बनेगा, और दूसरा जो बी आर माइनस है वो यहाँ आकर ऐड होगा, ये दूसरा बी आर माइनस है, और इस केस में दूसरा बी आर माइनस जो है वो इसके अपोजिट यहाँ आकर ऐड होगा। ये हमारा एच था, एक मिनट इसे सही कर लेते हैं, एच को भी वहां डाल दें, यहाँ पर एच था, तो दूसरा बी आर जो होगा वो यहाँ ऐड होगा और ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। सिमिलरली इस पर बी आर जो है वो यहाँ ऐड होगा और ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो इस कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी से हम बता सकते हैं कि इसका फर्स्ट या सेकेंड दोनों में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होता है, वो यहाँ और यहाँ पर हम डिसाइड कर सकेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो अभी इसे इरेज कर रहा हूं। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखें, इसमें सिस है तो दो मेजर ग्रुप है वो सेम साइड है, तो सिस में अगर एंटी एडिशन होता है तो जो बी आर एड होंगे वो अपोजिट साइड आएंगे, और अपोजिट साइड आने के कारण यहाँ पर थ्रियो प्रोडक्ट बनेगा। तो काफी इजी है अभी इसे समझना। अनदर एग्जाम्पल वी हैव, यहाँ पर इन्होंने फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन कराया है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन से यहाँ पर बी आर आया है, फिर यहाँ पर बेस डाला है जिससे इलिमिनेशन कराया है, और यहाँ के एच से एच बी आर निकाला है, यहाँ पर एच बी आर निकाला है, एल्किन बनाया है। अब इसमें बी आर टू इन सी सी एल फोर या सी एच टू सी एल टू जो इनर्ट सॉल्वेंट है वो डाला गया है, और हम देखेंगे कि इस कार्बन पे और इस कार्बन पर बी आर अपोजिट साइड से ऐड हो रहा है। तो एक प्लेन के नीचे बी आर जा रहा है और एक प्लेन के ऊपर बी आर जा रहा है, इस तरीके से हमारा कंपाउंड बन रहा है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि सी एच थ्री जो है वो प्लेन के ऊपर है, और चूंकि सी एच थ्री का साइज जो होगा वो थोड़ा लार्जर होगा हाइड्रोजन के साइज से, एक यहाँ पर हाइड्रोजन भी हमारे पास, तो हाइड्रोजन के साइज से तो जो ये बी आर है वो इस सी एस थ्री के अपोजिट आएगा। तो अगर सी एस थ्री ऊपर है तो बी आर यहाँ नीचे से आएगा, और इस बी आर के अपोजिट साइड से फिर ये दूसरा बी आर आएगा, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। एडिशन ऑफ एच एक्स टू एल्कीन, इट्स मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, ये अभी हम लोग देखेंगे एच बी आर का एडिशन। सो एच बी आर का एडिशन इज अनदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और इसमें इलेक्ट्रोफिलिक में एच प्लस एंड बी आर माइनस, सो इलेक्ट्रोफाइल विल ऐड फर्स्ट, एच प्लस विल ऐड फर्स्ट, और इससे कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, फिर बी आर माइनस जाएगा, तो बी आर माइनस एड होगा सेकेंड स्टेप में। तो इस तरीके से अगर हम बात करें एक एल्कीन की, सपोज वी आर टेकिंग सम एग्जांपल हियर, आई हैव गॉट सम स्पेस हियर, तो यहाँ पर अगर एक एच बी आर का एडिशन हो तो फर्स्ट स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल है एच प्लस ये ऐड होगा यहाँ पर, तो मैं सपोज करता हूं इस कार्बन पर ऐड कराता हूं तो यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में बी आर माइनस है
तो Br माइनस यहाँ पर जो ये कार्बन है ये पॉजिटिव कार्बोकेटाइन है, मतलब sp2 है, तो ये प्लेनर है, तो इस प्लेन के ऊपर से और प्लेन के नीचे से ऑलमोस्ट इक्वल प्रोबेबिलिटी होता है ऐड होने का। तो यहाँ पर इस कार्बन पर जो Br बनेगा वो Br इधर से भी ऐड हो सकता है और यहाँ पर H हुआ है, और इसके अपोजिट साइड इधर से भी ऐड हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये जो कार्बन है वो प्लेनर है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये प्लेनर है, तो दोनों साइड से ऐड होता है। तो ये एक छोटा सा मैकेनिज्म है जिससे हम समझ सकते हैं कि HBr का एडिशन कैसे होता है, और जब इससे जब H+ ऐड होता है तो जो ये कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है वो स्टेबल कार्बोकेटाइन होना चाहिए। अगर हमारे पास ऑप्शन दोनों कार्बन पर H आने का है यहाँ पर, तो उसी कार्बन पर H+ जाएगा जिससे कि जो कार्बोकेटाइन बने वो ज्यादा स्टेबल हो। तो अभी इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो H+ और Br- है, तो H+ अगर यहाँ जाता है तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, और अगर H यहाँ जाता है तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। तो देखते हैं इसे, H कहाँ जाने से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हमें मिलता है। तो ये जो H है वो यहाँ गया है जिससे कि ये कार्बोकेटाइन बन रहा है, और फर्दर Br यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमें मिला है। अभी थोड़ा कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखें तो यहां जो है मेरा H+ अगर इस पर जाता है, H+ अगर इस पर जाता है तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इसके वजह से मच स्टेबल कार्बोकेटाइन। अगर यहाँ पॉजिटिव बनता तो उसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पर HBr आपका बना, तो इसमें जो कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है उसके वजह से ये बन रहा है। तो दिस इज मार्कोनिकोव एडिशन, मार्कोनिकोव एडिशन के बहुत सारे डेफिनेशंस बहुत सारे फॉर्म्स में दिए गए हैं, तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक डेफिनेशन इसका रफ डेफिनेशन ये है कि H+ Br- में पॉजिटिव विल गो ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल गो ऑन नेगेटिव। तो इस दोनों ग्रुप में ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन के पास यहाँ पर इंडक्शन इफेक्ट, आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर इसका मेसोमेरिक इफेक्ट भी ज्यादा है जिससे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, यहाँ पे मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट बोले, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है इस कार्बन पे। तो इस दोनों कार्बन के कंपैरिजन में ये कार्बन जो है वो थोड़ा ज्यादा नेगेटिव है इन कंपैरिजन टू दिस कार्बन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट के वजह से ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव होने के वजह से Br विल गो ऑन दिस, नेगेटिव पार्ट विल गो ऑन दिस, एंड पॉजिटिव पार्ट विल कम ऑन दिस। ये पुराना मेथड था, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें करना है कि H+ को ऐड कराना है दोनों में से एक पर, और देखना है कि जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है या नहीं, अगर है तो वो मार्कोनिकोव एडिशन को फॉलो कर रहा है। इस केस में यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ कार्बोकेटाइन बन सकता है या यहाँ कार्बोकेटाइन बन सकता है। ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है, और ये जो बने या ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मच स्टेबलर देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो H+ है वो इस जगह पर आ रहा है और Br- इस जगह पर जा रहा है। ये एंटी मार्कोनिकोव एडिशन है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। तो किस जगह पे मार्कोनिकोव, किस जगह पे एंटी मार्कोनिकोव, ये भी हम आगे अभी देखेंगे। सो द मैकेनिज्म ऑफ HX एडिशन, मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। H+ इलेक्ट्रोफाइल विल ऐड फर्स्ट इन मार्कोनिकोव एडिशन, और एंटी मार्कोनिकोव में पेरोक्साइड एडिशन होता है, वो भी हम देखेंगे अभी। तो कुछ एग्जांपल्स अभी मार्कोनिकोव एडिशन के लें, तो ये जो है हमारा ग्रुप, यहाँ पर HBr ऐड होना है और हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पर HCl होना है तो H+ विल कम फर्स्ट, सो H+ अगर यहाँ आता है तो कार्बोकेटाइन विल कम हियर, सो Cl- विल कम हियर। अभी
कुछ और एग्जांपल्स हैं, तो ये एग्जांपल्स जो हैं ये एंटी मार्कोनिकोव के हैं, और यहाँ पर हम देखें तो ये पेरोक्साइड डाला गया है। तो पेरोक्साइड के केस में ये जो होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ना होके फ्री रेडिकल एडिशन होता है। याद रखना है हमें, जहां भी फ्री रेडिकल जनरेट होता है वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होकर फ्री रेडिकल एडिशन होता है। तो ये फ्री रेडिकल एडिशन है, और जहां भी फ्री रेडिकल एडिशन हो वहां एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है। अभी हम फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जहां पर मार्कोनिकोव हो, दो ही मेथड है एडिशन का, एक फ्री रेडिकल एडिशन, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और इलेक्ट्रोफिलिक में मार्कोनिकोव एडिशन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है जिसमें कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी की बात करते हैं। फ्री रेडिकल एडिशन के भी कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखें, पहले उसका एक मैकेनिज्म देख लें। सपोज करूं मैं कि यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये एच है, ये एच है, और इस पर आई एम गोइंग टू एड एच बी आर इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। सो पेरोक्साइड क्या करेगा कि जो एच बी आर है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, जो एच बी आर है इसको अगर पेरोक्साइड डाला जाए तो ये एच पेरोक्साइड प्लस बी आर पेरोक्साइड, और ये पेरोक्साइड के साथ जो रेडिकल होगा, फ्री रेडिकल होगा, उसके साथ ये एच रेडिकल कंबाइंड हो जाएगा। अब ये बी आर रेडिकल जो है वो इस एल्किन पे एड होगा। तो चलिए इसका मैकेनिज्म यहां से हम देखें, तो यहां पर जो बी आर रेडिकल होगा वो एड होगा। तो जब बी आर रेडिकल एड होगा तो या तो ये इस कार्बन पे एड हो सकता है या तो इस कार्बन पे एड हो सकता है, दोनों में से किसी एक पर एड होगा। अब एड वो उस पर होगा जिसमें जो दूसरा फ्री रेडिकल इसमें इंटरमीडिएट बनेगा वो ज्यादा स्टेबल हो। मैं दोनों पर एड करके आपको दिखाता हूं, ए पर भी और बी पर भी। तो पहले ए पर ऐड करते हैं, तो एच हो गया, यहां पर सी है, ये इथाइल ग्रुप है, यहां पर एच है। तो अगर ये ऐसे ऐड होता है तो देखने वाली बात है कि इस एक पाई बॉन्ड के पास दो इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहां पर बॉन्ड बनाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल के फॉर्म में यहां रह जाएगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन से, ये दो इलेक्ट्रॉन से, ये ब्रोमीन यहां पर बॉन्ड बनाया और ये एक फ्री रेडिकल यहां पर बच गया। तो ए पाथ से हमें सपोज कि ये स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम ए नाम देते हैं। अगर बी पाथ से एडिशन हो तो यहां पर इस तरीके से होगा, एम ई एच और सी के साथ इथाइल और एच, और यहां पर आएगा मेरा ब्रोमीन, तो यहां पर फ्री रेडिकल बनेगा। ये दूसरा बात। तो इसमें देखें कि जो हायर डिग्री के फ्री रेडिकल होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, जो लोअर डिग्री के फ्री रेडिकल हैं वो कम स्टेबल होते हैं। यहां पर इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में, तो ये ब्रोमीन यहां पर गया। अब दूसरा जो ये रेडिकल वाला पार्ट है जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये रेडिकल और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर अटैक करता है और यहाँ से जो रेडिकल जो है एच के साथ है वो अटैक करता है और ये एच यहाँ पर चला आएगा। सिमिलरली इसमें यहाँ पर आएगा, इसमें अगर हम ऐड कराएं इधर तो रेडिकल के साथ एच, तो ये एच यहाँ पर चला आएगा, C, M, E, H, और इस जगह पर H ऐड होगा और यहां पर इथाइल ग्रुप होगा, यहां पर H होगा और यहां पर BR ऐड होगा। यहां पर जो प्रोडक्ट होगा वो इस तरीके से होगा, C के साथ M, E, H, यहां पर BR ऐड हो चुका था पहले, अब यहां पर H ऐड हुआ है और इथाइल ग्रुप
यहां और हाइड्रोजन ग्रुप यहां। तो कंपेयर करें पाथ ए और बी में, तो हमने पाया कि ए पाथ का जो इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बन रहा है, दैट फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन फ्री रेडिकल टू। तो इसका मतलब है कि यहां पर ये मेजर प्रोडक्ट होगा। अब इससे अगर कंपेयर करें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ये वाला ग्रुप इथाइल के ज्यादा आई इफेक्ट के वजह से, ये वाला ग्रुप थोड़ा पार्शियली नेगेटिव था, तो इन कंपैरिजन टू दिस कार्बन, तो यहाँ पर बी आर एड होता और यहाँ पर हमारा एच एड होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, ये बी आर यहाँ एड हो रहा है, एच यहाँ एड हो रहा है। सो दिस इज आर मेजर प्रोडक्ट, एक्चुअली दिस इज आर मेजर प्रोडक्ट इन फ्री रेडिकल एडिशन। तो चूंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक के अपोजिट हो जा रहा है, इसीलिए इसे एंटी मार्कोनिकोव कहते हैं, उससे मार्कोनिकोव कहा गया, तो ये एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कहलाता है। तो फ्री रेडिकल में एंटी मार्कोनिकोव आएगा और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में मार्कोनिकोव एडिशन आएगा। तो ये मार्कोनिकोव का ऐसा नहीं कि नाम हमें पता ना हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, नाम से कोई रिलेशन नहीं है, जस्ट ये थिंक करना है कि इसके इंटरमीडिएट जो है वो ज्यादा स्टेबल होने चाहिए, और इसे ही मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव का नाम दे दिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये क्लियर होगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। सो हियर आर फ्यू मोर एग्जांपल्स। यहां पर जो HCl है ये -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन कराया जा रहा है, और हम देखें यहां पर कि जो H और Cl है वो इस तरीके से रिएक्शन कर रहा है। ओके, यहाँ पर हमारा कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट का भी केस है। ओके, तो पहले जो है H प्लस है वो यहाँ ऐड होगा, इसका एक H प्लस यहाँ ऐड होगा जिससे कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। तो चूंकि ये लेसर टेम्परेचर पे रिएक्शन है, तो मैंने पहले ही बताया था जीओसी के टाइम में आपको कि जो रिएक्शन लेसर टेम्परेचर पे हो वहां पे किस तरीके से थर्मोडायनेमिकली स्टेबल या जिसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लो है, कौन सा कंट्रोल करेगा रिएक्शन के प्रोडक्ट को। अगर आपको याद नहीं है तो आप वो वीडियो फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ पर लेसर टेम्परेचर पर हो रहा है, तो जिसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लो हो वही मेजर प्रोडक्ट देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये ऐड होता है तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनता है। अब दूसरा Cl- ऐड होता है, तो फर्स्ट के एक केस में Cl- यहाँ ऐड हो जाता है, दूसरे केस में ये जो मिथाइल ग्रुप है ये यहाँ से रीअरेंज होकर यहाँ चला आया, और Cl ग्रुप जो है, जो नया कार्बोकेटाइन बना है, वो यहाँ पर Cl यहाँ पर ऐड हुआ है। तो ये जो रीअरेंज प्रोडक्ट है वो 61% है और ये 37% है। जो रीअरेंज होकर कार्बोकेटाइन बन रहा है यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, और रीअरेंजमेंट के बाद जो कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनेगा वो टर्शरी कार्बोकेटाइन है, विच इज मच मोर स्टेबल। तो हमारा ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। अभी थोड़ा सा इसे और क्लियर आप चाहते हैं करना, तो मैं इसे यहाँ पर फिर से आपको रीअरेंज करके दिखाता हूं। तो थ्री थ्री डाइमिथाइल वन ब्यूटेन, CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें दोनों पाथ से मैं आपको दिखाता हूं, H प्लस एड हो रहा है तो H प्लस एड होकर, H प्लस एड होकर जो फर्स्ट इंटरमीडिएट बनेगा वो इस तरीके से होगा, यहां पर H प्लस आएगा और यहां कार्बोकेटाइन बनेगा। सो CH3 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 CH प्लस और यहां पर CH3। तो विदाउट रीअरेंजमेंट ये दूसरा जो यहाँ पर Cl- है वो इस तरीके से आ जाएगा और वो Cl- यहाँ पर आ जाएगा।
तो ये CH3, 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 CH, Cl और CH3, ये एक प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ये कार्बोकेटाइन यहाँ रीअरेंज हो रहा है और यहाँ पर 1,2-मिथाइल शिफ्ट बोलते हैं। 1,2 मीन्स कंजुकेटिव प्लेसेस में मिथाइल ग्रुप शिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ से CH3, C, CH3, ये वाला जो कार्बोकेटाइन बना वो अभी हम देख रहे हैं कि ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है। यहाँ पर ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था, ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है विच इज मच मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा अब Cl- यहाँ पर ऐड होगा और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा CH, CH3, Cl, सॉरी यहाँ पर CH3, Cl तो यहाँ आ चुका है, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। मैं एक बात यहाँ पर बता दूं कि ये कार्बोकेटाइन जो है ये स्टेबल है इन कंपैरिजन टू दिस कार्बोकेटाइन। सो स्टेबलर इज द इंटरमीडिएट, फास्टर इज द रिएक्शन। आप इसे नोट कर लीजिए, स्टेबलर इज द इंटरमीडिएट, फास्टर इज द प्रोडक्ट। अब सेम रिएक्शन को यहां पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराया गया है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर यहां पर ऑलमोस्ट 50-50% मिल रहा है। तो अगर एच यहाँ ऐड हुआ तो प्लस जो है यहाँ पर जनरेट होगा एच यहाँ पर ऐड हुआ तो, और विदाउट रीअरेंजमेंट यहाँ पर सीएल आ जाएगा जो कि ये वाला कंपाउंड है। और यहाँ से अगर मिथाइल शिफ्ट, यहाँ से हाइड्राइड भी है तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है। हाइड्राइड शिफ्ट इज मच बेटर ऑप्शन देन मिथाइल शिफ्ट। ये भी आगे हम लोग देखेंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में कि किस कौन सा ग्रुप इजिली शिफ्ट हो सकता है, किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कितना अच्छा होता है। चूंकि हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है तो ये बहुत इजिली शिफ्ट हो सकता है इन कंपैरिजन टू मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट होकर यहाँ पर CH था, CH2 आ गया और यहाँ पर कार्बोकेटाइन जनरेट होगा और फिर Cl यहाँ ऐड हुआ तो ये प्रोडक्ट बना। लेकिन चूंकि ये हाइयर टेम्परेचर पे है तो जो ये वाला प्रोडक्ट था जो यहाँ पर बन रहा था 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये बना है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के प्रोडक्ट से और ये बन रहा है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के रिजल्ट से। तो दोनों प्रोडक्ट ऑलमोस्ट इक्वल हो गए, दोनों के रेट ऑलमोस्ट इक्वल हो गए क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हम लोगों ने ज्यादा लिया है। तो फिर से आप ध्यान रखें कि रेट ऑफ रिएक्शन इज अ फैक्टर ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड एट हायर टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी विल प्ले द रोल। तो ये दोनों के मैकेनिज्म यहाँ पर क्लियर हैं। अभी इसे इरेज कर लूं। सो हेयर इज Br इन H2O2, सो पेरोक्साइड इज यूज्ड हेयर। तो ये एंटी मार्कोनिकोव होना है, इसे मार्कोनिकोव एडिशन होना है। आप देखिए इसे एंटी मार्कोनिकोव एडिशन में, अब तो ये तो बिल्कुल सिमेट्रिकल कार है, सिमेट्रिकल है तो कोई इशू नहीं है। फर्स्ट Br हम दोनों में से किसी पर ले सकते हैं और एक पर यहाँ पर फ्री रेडिकल बनाते हैं। इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। ये यहाँ पर पहले Br रेडिकल लें तो इस पर अगर Br ऐड कराया है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट होगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट होगा। ये भी इथाइल ग्रुप, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर इथाइल ग्रुप और ये एक मिथाइल ग्रुप। तो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, ओके और सेकेंड फेज में एच फ्री रेडिकल जो कि रेडिकल के साथ है वो ऐड होना है इसमें। तो एच रेडिकल जो है वो यहाँ पर ऐड हो गया। तो सो प्रोडक्ट इज क्वाइट इजी, एक ही प्रोडक्ट है। ये सिमेट्रिकल एल्कीन दे दिया है इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर यहाँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता तो फिर थोड़ा सोचना पड़ता कि किधर जाता मेरा।
और उसमें फिर हम लोग फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। Another example is this, ये electrophilic addition का part है। यहाँ पर electrophilic addition में ये जो rearrangement of carbocation हो रहा है इस step में, this is chain expansion, ये this is a kind of 1-2 alkyl shift और इससे chain expansion हो रहा है, 5 member ring से 6 member rings की ओर जा रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे carbocation आया और फिर ये BR जो है यहाँ पर add हुआ, तो ये प्रोडक्ट बना, ये H यहाँ पर ऐड आया CH3, ये कार्बोकेटाइन यहाँ जनरेट हुआ जो कि यहाँ पर है, अब ये वाला ग्रुप यहाँ से शिफ्ट होके इसमें आया तो 6 मेंबर रिंग बन गया और यहाँ पर कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ जो ये है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट के लिए मैं एक अलग से क्लास लूंगा, एक अलग से आप हम लोग डिस्कस करेंगे मिलकर, जिसमें डिफरेंट कंडीशंस में कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट कैसे होते हैं उन्हें हम देखेंगे। Here we have some other examples. आप देख सकते हैं इसमें जो HCl का addition है H plus Cl minus, this is nothing but H plus Cl minus H2O के साथ ये club हो गया है, तो H3O plus हो गया है, तो ये syn addition मेरा ये है major और ये rotate करके जो ये chair form से boat form में आया है, तो ये जो एक्सियल है और इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे एमी है, ये जब चेंज हुआ तो ये एक्सियल पर आ गया और ये एक्सियल पोजीशन पे सीएल है तो ये इक्वेटोरियल पे आ गया, इस तरीके से स्विच ओवर होता है। नेक्स्ट इज दिस एग्जांपल, यहाँ पर भी जो डी और बी आर, यानी डी इज सिमिलर एज एच प्लस, तो डी प्लस बी आर जो है ये सिन एडिशन में जा रहा है और यहाँ पर हमें ये प्रोडक्ट मिलता है सिन एडिशन से, जो डी है और बी आर है ये दोनों सेम प्लेन में है, दोनों प्लेन के बाहर आ रहे हैं। नाउ द मॉडर्न स्टेटमेंट ऑफ मार्कोनिकोव रूल, इन द आयनिक एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू अ डबल बॉन्ड, द पॉजिटिव पोर्शन ऑफ एडिंग रिएजेंट अटैचेस इटसेल्फ टू अ कार्बन एटम of the double bond so as to yield the more stable carbocation as an intermediate. ये exactly इसी form में, इसी term में मैंने आपको समझाया है कि जो carbocation बनना है वो ज्यादा stable हो, इसे ही Markovnikov addition बोलते हैं। The addition of ICl to 2-methyl propene takes place in the following way, produces 2-chloro-1,2-methyl propene. So here is the example of Markovnikov addition. ICl में I will be positive part, Cl will be negative part due to its electronegativity difference. So I plus will add first. I plus will go here to make this positive. तो ये ज्यादा stable carbocation होगा, यहाँ पर carbocation बन रहा है, ये ज्यादा stable होगा अगर यहाँ पर बने उससे, तो this is okay with Markovnikov addition, ये नहीं बनेगा, तो Cl फिर यहाँ पर आया तो हमारा ये प्रोडक्ट बना। सो Markovnikov एडिशन इज नथिंग बट आपको जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है उसमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। नेक्स्ट इज एडिशन विथ HOH। HOH का एडिशन भी H प्लस एंड OH माइनस के तरीके से होता है। Alkenes react with water in presence of dilute acid or BF3 to give alcohol according to the Markovnikov rule. अब चूंकि ये भी electrophilic addition है तो Markovnikov rule by default यहाँ पर भी आएगा। For example, तो अब बात करें इस दोनों group में, तो where more H वहां पर H जाएगा और जहां पर lesser H है वहां पर OH जाएगा। जहां पर ज्यादा एच होता है वो थोड़ा पॉजिटिव होता है, यहाँ पर लेसर एच है तो इसके कारण ये थोड़ा नेगेटिव होता है, इसके इंडक्शन इफेक्ट के कारण। तो यहाँ पर OH आया इस कार्बन पे और यहाँ पर एच चला गया, दिस इज योर Markovnikov एडिशन। सो देर आर सो मैनी डेफिनेशन, सो मैनी रूल्स ऑफ Markovnikov एडिशन, जहां पर ज्यादा एच है वहां पर एच जोड़ो, जहां पर लेस एच है वहां पर OH माइनस जोड़ो या नेगेटिव पार्ट जोड़ो, पॉजिटिव विल गो ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल गो ऑन नेगेटिव इज अनदर डेफिनेशन। तो ये सबके रूट में सिर्फ एक ही चीज है और वो है H प्लस आप ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल आप ऐड करते हैं, तो जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए।
Another example is this addition of H plus and OH minus. If H plus goes here, carbocation will form here and OH minus will come here in second step. So the product is this, and it is electrophilic addition. So it is as per Markovnikov addition rule. Next example is this. So इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हाइड्राइड शिफ्ट की बात हो रही है. तो फर्स्ट केस में यहाँ पर H आएगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ये कार्बोकेटाइन के साथ अगर OH माइनस एड हो जाए तो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा. लेकिन यहाँ से ये हाइड्राइड अगर शिफ्ट हो यहाँ पर, तो फिर हमारा यहाँ पर कार्बोकेटाइन जनरेट होगा और यहाँ पर फिर OH ऐड होगा, जिस जो कि ये वाला प्रोडक्ट है. सो बोथ प्रोडक्ट आर पॉसिबल. दिस इज विदाउट रीअरेंजमेंट एंड दिस वन इज विद रीअरेंजमेंट. अब चूंकि यहाँ पर मिथाइल कार्बोकेटाइन बनता है विच इज मच मोर स्टेबल देन दिस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, तो ये ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट है, तो इसका रिएक्शन फास्टर होगा और ये मेजर प्रोडक्ट देगा. Now the halohydrine formation with HXO. So halohydrine is nothing but this X and OH, addition of X and OH. तो इसमें जो X2 है वो Cl2 और Br2 हो सकता है और इसके साथ OH group हो सकता है. तो पहला तो वही condition है sir. Condition ये है इसमें कि जो Br2 के addition में या X2 के addition में हम लोगों ने इसका इस तरीके से ब्रोमोनियम आयन या क्लोरोनियम आयन बनाया था, यहाँ पर हेलोजन है तो हेलोनियम आयन बोलेंगे, तो इस तरीके से फिर दूसरा किसी भी न्यूक्लियोफाइल को आप यहाँ ले सकते हैं. इट मे बी Br माइनस, इट मे बी OH माइनस, इट मे बी NH2 माइनस, ब्ला 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 ब्ला, सो मेनी. तो कोई भी इसमें अटैक होगा तो बैक साइड से एडिशन होगा, एक साइड इसमें एक्स रहेगा, दूसरे साइड वहां पर ये न्यूक्लियोफाइल आएगा. सो हेलोहाइड्रीन फॉर्मेशन और एडिशन ऑफ अनदर न्यूक्लियोफाइल इज पॉसिबल अगर हम यहाँ पर वो न्यूक्लियोफाइल्स लें तो. अब ये बोल रहा है उसे हम बस रीड कर लें एक बार. द एडिशन ऑफ एक्स प्लस एंड OH माइनस अकर्स इन द ट्रांस मैनर. ट्रांस मैनर मींस ये एंटी एडिशन होगा. अब एंटी एडिशन क्यों? क्योंकि इसका इंटरमीडिएट में ब्रोमोनियम आयन है, वो साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें कि फ्रंट साइड से ब्रोमीन के साइड से एडिशन का चांसेस नहीं है यहाँ क्राउडिंग के कारण. तो जब भी एडिशन होगा तो रिवर्स ब्रोमीन के अपोजिट साइड से होगा, यानी कि ये एंटी एडिशन होगा. सो ट्रांस मैनर. As the reaction proceed by the formation of halonium ion intermediate, order of reactivity is HOCl, HOBr, HOI. So quite understandable. Examples are this. Very easy. आप पहले इसमें chlorine को add करें, Cl plus को, फिर OH minus add करें. So एक example का ना mechanism देखते हैं तो मजा आ जाए यहाँ पे. तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे जो एच ओ एच एन सी एल है तो इसमें सी एल इज पॉजिटिव एंड ओ एच इज नेगेटिव. तो जो पॉजिटिव है वो पहले हेलोनियम आयन बनाएगा. तो सी के साथ यहाँ सी एच टू है. देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग है टॉपिक और कितना इजी हो जाता है अगर हम इसे मैकेनिज्म से देखें. तो इस पर अगर सी एल प्लस पहले एड हो तो ये इस तरीके से साइक्लिक है क्लोरोनियम आयन बनाएगा. ये पहले भी देखा है हम लोगों ने. तो यहाँ पे Cl प्लस बनाएगा. अब बात ये है कि ये OH माइनस जो है वो है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका भी एडिशन बहुत फास्ट होगा. ये जो ऐड करेगा इस पोजीशन पे या ऐड करेगा इस पोजीशन पे, ये डिसाइड करेगा कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा. तो लेकिन क्या है कि ये जो तीन का रिंग है, पार्टिकुलरली ये जो रिंग है तीन का रिंग है, और इस रिंग में यहाँ पर जो है वो क्लोरीन है और वो भी पॉजिटिव है. तो तीन का रिंग होने के वजह से ये ऐसे ही अनस्टेबल है, टूटने के लिए बहुत ईगर है. और यहाँ पर जो है मेरा सीएल पे पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ये बहुत फास्टर टूटेगा
इधर से ओ एच माइनस जो एड होगा उसके कंपेरिजन में, तो अगर ये बॉन्ड टूटता है तो कार्बोकेटाइन यहां जनरेट होगा, अगर ये बॉन्ड टूटता है तो कार्बोकेटाइन यहां जनरेट होगा। हम सभी जानते हैं कि ये बॉन्ड टूटे तो कार्बोकेटाइन यहां बने, तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, तो दूसरे कार्बन पे इस पे ओ एच माइनस आएगा, तो सी एच थ्री सी सी एच थ्री, यहाँ पे सी एच टू, यहाँ इसके साथ हमारा ओ एच और यहाँ पे सी एल इस तरीके से ऐड होगा, और ये बिल्कुल एंटी साइड से एडिशन होगा, मतलब सी एल और ओ एच जो है वो अपोजिट साइड से ही आएगा। तो अभी ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है वो किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव दिस एग्जाम्पल, और यहां पर भी सी एल और ओ एच माइनस का एडिशन होगा। अब देखिए ये अपोजिट साइड से एड हो रहा है, सिमेट्रिकल है, तो दोनों में से किसी पर सी एल, इस पर सी एल या इस पर सी एल आया है, और रेसमिक मिक्सचर हमें मिल रहा है। एच ओ सी एल का एडिशन यहां पर देखें तो एच यहां आ रहा है, यहाँ पर सी एल प्लस ऐसे बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा जिससे कि कार्बोकेटाइन यहाँ पे बने, तो ओ एच फिर मेरा यहाँ पर आएगा और ये प्रोडक्ट है। सिमिलरली दिस एग्जाम्पल, इस केस में एंटी एडिशन होता है, ये जो इसका हमने H प्लस सी एल के साथ भी देखा था, सिमिलरली यहां पर भी देख सकते हैं। डू योर सेल्फ नाउ रिएक्शन विथ एनओ सी एल, सो एनओ सी एल में सी एल और एनओ एड होगा। हियर अटैकिंग रिएजेंट इज एनओ प्लस, सो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एनओ प्लस है, तो पहले एनओ प्लस आएगा बाद में सी एल माइनस आएगा, तो ये ग्रुप हमारा बनेगा जो फर्दर रीअरेंज होकर ऑक्साइम देता है इस तरीके से। तो सेम है जैसे एच प्लस पहले एड करते थे वैसे एनओ प्लस एड करना है, फिर जो स्टेबल कार्बोकेटाइन आपको लगे वो बनाइए इंटरमीडिएट में और फिर सी एल माइनस यहाँ पर एड करिए और इसे रीअरेंज करके फिर ऑक्साइम में कन्वर्ट कर दीजिए। नाउ हाइड्रोजाइलेशन, तो हाइड्रोजाइलेशन इज बेसिकली एडिशन ऑफ एच एंड ओ एच, और जो कोल्ड के एमनोफोर या एल्कलाइन के एमनोफोर के साथ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ और पिरिडीन NaS SO3 H2O के साथ, ये सभी जो है वो हाइड्रोजाइलेशन देता है, और कोल्ड केमनो के साथ जो OH OH जुड़ता है ये सेम साइड जुड़ता है, तो ये सिन हाइड्रोजाइलेशन कहलाता है। सिन और एंटी हम लोगों ने पहले भी देखा है क्या होता है। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लें, कोल्ड केमनो 4 का सिन हाइड्रोजाइलेशन का और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का भी सिन हाइड्रोजाइलेशन का, तो ये इसका एक मैकेनिज्म यहाँ पर दिया गया है जिसे आप देख सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये जो ओ एच है ये सेम साइड ऐड हो रहा है, ये ओ एच अब वो सेम साइड ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर फिर से समझना है कि अगर हमारे पास एल्कीन जो है वो सिस है इस तरीके से, एक चेंज कर दे रहे हैं C2H5 यहां पर कर दे रहे हैं, अब इसमें जो है OH OH ऐड हो रहा है, हाइड्रोजाइलेशन इज, मैंने यहां पर हाइड्रोजाइलेशन में एडिशन ऑफ एच ओ एच बोल दिया था, ये OH OH है एडिशन, सॉरी। तो अब जो यहां पर एडिशन होगा OH और OH का वो सिन होगा, तो सिन बोलने का मतलब कि ये पहले से दोनों ग्रुप सेम साइड है, तो इससे जो बनेगा मेरा ग्रुप ये यहाँ पे सी एस थ्री C2H5, तो जो OH OH ग्रुप ऐड होंगे वो सेम साइड आएंगे, तो प्रोडक्ट जो है इरिथ्रो बनेगा,
प्रोडक्ट जो है मेरा इरिथ्रो बनेगा। तो मैंने पहले भी बोला था कि सिस प्रोडक्ट के साथ अगर सिन हो तो इरिथ्रो बनेगा, ये होगा। और अगर यहीं पर हम ट्रांस ले लें, यहाँ पर सी एस थ्री ले लें, यहाँ पे इथाइल ग्रुप ले लें, ये एच और ये एच लेते हैं, और यहाँ पर अगर सिन हाइड्रोजाइलेशन कराते हैं ओ एच ओ एच जोड़कर, तो यहाँ पर हमें थ्रियो मिलेगा, एक ओ एच यहाँ एक ओ एच यहाँ, ये अपोजिट साइड है दो मेजर ग्रुप, और सिन एडिशन हो रहा है तो फाइनली जो दो मेजर ग्रुप आएगा वो अपोजिट साइड ही रहेगा, यहाँ पे मिथाइल सी एस थ्री और यहाँ पे इथाइल सी टू एच फाइव। तो ये सब पहले भी हमने देखा है, अभी एक रिविजन आपका हो जा रहा है। अब परोक्सी एसिड जो है ये ट्रांस एडिशन या एंटी एडिशन कराता है, और इसमें ओ एच ओ एच यहाँ से आता है। अब परोक्सी एसिड का जो एडिशन होगा ये ट्रांस क्यों होता है, क्योंकि परोक्सी एसिड से यहाँ पे साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, एक परोक्साइड लिंकेज आता है और यहाँ पर एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाता है, और साइक्लिक इंटरमीडिएट के वजह से यहाँ पे दूसरा जो ओ एच है वो अपोजिट साइड से आता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें, लेकिन हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ये एंटी साइड से कराता है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया उसका एक समरी दिया हुआ है कि अगर सिस एल्कीन है और सिस मोड यानी कि केमनोफोर से कराते हैं तो मेसो प्रोडक्ट बनता है। सिस एल्कीन का मतलब मैं यहाँ एग्जांपल से आपको बताऊं कि अगर यहाँ सी एस थ्री है, एच है और इसमें ओ एच ओ एच एड करना है तो क्या होगा, ये दोनों ग्रुप सेम साइड है तो ओ एच दोनों भी सेम साइड आएगा, तो यहाँ पर सेम साइड आ गया एच एच और यहाँ पर सी एस थ्री, तो ये आपस में एक दूसरे का मिरर इमेज है सेल्फ में, तो ये जो हो गया हमारा वो मेसो हो गया। सो इट इज क्लियर, सेम एज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, अगर ट्रांस एल्कीन है और सिस मोड करते हैं तो रेसमिक मिक्सचर होगा, रेसमिक मिक्सचर मतलब डाइस्ट्रीमर्स बनेंगे इसके दो, तो ये अगर ट्रांस है तो हमारे पास अपोजिट साइड में ये रहेंगे एच एच और सी एस थ्री, तो ये दोनों अपोजिट साइड में है तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक्चुअली थ्री ओ बनेगा और दोनों कार्बन सिमेट्रिकल है, तो एक ओ एच इस पर एक ओ एच उस पर किसी पर जा सकता है, तो सी एस थ्री इधर एच इधर ओ एच और इधर ओ एच, ये एच और सिमिलरली इसका एक मिरर इमेज यहाँ पर बनेगा, तो ये रसमिक मिक्सचर है। इस केस में यहाँ पर ओ एच ये एच और यहाँ पर एच और ये ओ एच और ये सी एस थ्री और सी एस थ्री, तो ये जो है हमारा रसमिक मिक्सचर है, तो ये वाला यहाँ क्लियर हो गया। अब यहाँ ट्रांस मोड एडिशन है तो उल्टा कर देना है, सिस मतलब सेम साइड है तो इसका उल्टा कर देना है तो रेसमिक हो जाएगा, थ्री ओ बन जाएगा, और ट्रांस है अपोजिट साइड है दो मेजर ग्रुप, इसका ट्रांस करना है तो अपोजिट अपोजिट सेम हो जाएगा, तो ये इरिथ्रो बन जाएगा, इरिथ्रो यानी मेजर प्रोडक्ट होगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स इसके दिए हुए हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स काफी ईजी हैं, आप देखें और इसका आंसर हमें बताएं। Now the next topic is oxymercuration, demercuration. It involves synthesis of alcohol from ethers, from alkene in accordance with Markovnikov addition rule. Oxymercuration, demercuration is not prone by hydride or alkanide rearrangements. So, jo हम H और OH जोड़ रहे थे यहाँ पर भी एडिशन ऑफ H और OH ही है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन इज सिंपली एडिशन ऑफ H एंड OH, लेकिन जो इलेक्ट्रोफिलिक मेथड से हम लोगों ने जोड़ा था वहां पर रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल था क्योंकि वहां इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बन रहा था, लेकिन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है और रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा ये एल्कीन है और मार्कोनिकोव एडिशन, ये भी मार्कोनिकोव एडिशन फ्लो फॉलो करता है। तो HGOCTHFNABH4O- ये रिएजेंट है, इसमें HOH ऐड होगा, वेयर मोर H इज हियर सो H विल कम हियर एंड लेस H इज हियर सो OH इज OH विल गो देयर, पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव, H+ विल गो ऑन मोर पॉजिटिव कार्बन
और यहाँ पे इंडक्शन इफेक्ट है, इसके कारण ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, तो OH विल कम हियर. हियर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन. एग्जांपल्स आर क्वाइट इजी, फॉलो द मार्कोनिकोव एडिशन रूल एंड फाइंड द प्रोडक्ट. अब यहां पर ओ एच के बदले ओ आर लिया गया है, तो एडिशन ऑफ एच एंड एडिशन ऑफ ओ आर हुआ है, यहां पर ईथर बन रहा है. एच ओ एच का एडिशन के साथ साथ एच ओ आर का भी एडिशन पॉसिबल है, जो यहां पर दिखाया गया. अनदर एग्जांपल, यहां पर ओ आर के जगह पर जो है OCS3, OR के एग्जांपल में OCS3 लिया गया है. सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स. वन अनदर एग्जांपल इज हियर. नेक्स्ट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ एच ओ एच जो है वो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होता है, और इससे आपको टर्मिनल पे ओ एच मिलेगा यहाँ पर. और ये ध्यान देना है कि इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वो सिन एडिशन होती है. सिन और एंटी एडिशन अभी तक हम लोग समझ चुके हैं, तो इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वो सिन होती है. सो टर्मिनल पे OH, एंटी मार्कोनिकोव मतलब यहां पे तो सिमेट्रिकल है, सो नो इशू, एंटी मार्कोनिकोव मार्कोनिकोव में सेम होगा. यहां पर सिमेट्रिकल नहीं है, तो यहां पर ज्यादा एच है, इट इज मोर पॉजिटिव कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन, लेकिन पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव ना होके उल्टा हो रहा है, इसलिए ये एंटी मार्कोनिकोव है. यहाँ पर OH चला गया है और यहाँ पर एच आ गया है, देखें यहाँ पर, तो ये एंटी मार्कोनिकोव है. अब ये जो है ये सिन एडिशन होता है, इसको समझाने के लिए या समझने के लिए जो यहाँ पर एच और OH एड हो रहा है, ये दोनों सेम साइड आ रहा है प्लेन के, सिन एडिशन इसे ही बोलते हैं. देखिए यहां पर जो OH OH आया है ये सिस डायोल है, दिस इज अनदर एग्जांपल. नाउ द ओजोनोलाइसिस. ओजोनोलाइसिस इज अ वेरी ट्रिकी रिएक्शन फॉर एल्कीन. ये एल्कीन के स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन में काफी काम आता है. और ओजोनोलाइसिस जो है वो दो टाइप से हो सकता है, ऑक्सीडेटिव क्लेवेज एंड रिडक्टिव क्लेवेज. अगर ऑक्सीडेटिव क्लेवेज की बात करेंगे तो ये दूसरे जो हॉट केमनोफोर से हम क्लेवेज कराते हैं, हॉट केमनोफोर KMnO4 या HiO4 से जो कराते हैं, ये जो है हमारा ओजोनोलाइसिस इन ऑक्सीडेटिव क्लेवेज. ये ऑक्सीडेटिव मीडियम में ये सब एक जैसा ही होता है. अभी मैं एक टेबल बना दूंगा, ये काफी इजी हो जाएगा इसे याद रखना. सो बेसिकली व्हाट ओजोनोलाइसिस इज कि इस तरीके से एल्कीन है और इसका O3 ओजोनोलाइसिस मेटल के साथ रिडक्टिव मीडियम के साथ अगर हम कराते हैं तो ये सीधा टूट जाता है और बीच में OO जुड़ जाता है. तो इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर को जान सकते हैं अगर ये दोनों के स्ट्रक्चर हमें पता हो तो. तो यहाँ पर इसका एक मैकेनिज्म दिया हुआ है, आप देख लीजिए ये टूट रहा है, और चूंकि ये सिमेट्रिकल था तो यहाँ पर 2 मोल सेम कंपाउंड हमें मिला है. द मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलाइसिस इज दिस. आप देख सकते हैं इसके मैकेनिज्म को, विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बट येट यू कैन नो. आपके पास ये है, आप इसे देख सकते हैं, आप जान सकते हैं. सो फाइनली द प्रोडक्ट इज दिस, जो कि इसे तोड़कर दोनों साइड से ओ लगाने से आएगा, एंड दिस इज नथिंग बट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. ये इसका एग्जाम्पल है,
2 मोल फॉर्मल्डिहाइड का बना, यहां पर इसे आप तोड़ दीजिए। फाइनली इसे तोड़ कर इधर ओ लगा दें और इधर ओ लगा दें, तो ये हमारा ये प्रोडक्ट बनता है। यहां पर इसे H2O2 से ऑक्सीडाइज किया गया है, तो जो ये एल्डिहाइड है ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड दे सकता है, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड दे सकता है। सो ऑक्सीडेटिव क्लेवेज में और रिडक्टिव क्लेवेज में यही फर्क है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है जहां पर भी एल्डिहाइड हो रहा है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा, कीटोन कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये ZN यूज किया है तो ये रिडक्टिव क्लेवेज है, और अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज करे कहीं पर, H2O2 यूज करे तो वो फिर यहाँ पर H2O2 होना चाहिए, H2O2 यूज करे तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले इसका मैं एक टेबल बना देता हूं आपको। तो टेबल जो है ओजनोलाइसिस का, पहले आप देखेंगे, बाद में हम इसे ऑक्सीडेटिव क्लेवेज विथ पोटासियम, हॉट पोटासियम परमैंगनेट, मतलब KNO4, हॉट KNO4 के साथ भी देखेंगे, पहले अभी O3 के साथ देख लें। तो O3 के साथ अगर रिडक्शन मीडियम में है और अगर ऑक्सीडेटिव मीडियम में है तो क्या बनेगा, तो सी डबल बॉन्ड सी सॉरी सी इरेज एन सी डबल बॉन्ड सी के साथ जो भी ग्रुप है ये सिंपली ब्रेक होगा और दोनों साइड ओ ओ बनेगा, ये रिडक्टिव क्लेवेज में है। तो दिस मे बी एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, लेकिन ऑक्सीडेटिव क्लेवेज में कीटोन्स आर नॉट ऑक्सीडाइज। जहां पर एल्डिहाइड बनेगा इसमें, इसमें जो एल्डिहाइड बनेगा ये ऑक्सीडाइज होकर फर्दर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, सेम कार्बन नंबर से कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, और कीटोन जो है वो कीटोन ही रहेगा, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज होता नहीं है, तो कीटोन इज कीटोन ओनली। तो इस तरीके से अगर एक एग्जाम्पल इसका मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हम H ले लें, ये CH3, CH3 और CH3 ये लें, तो इसका जो ओजनोलाइसिस होगा तो फर्स्ट इज रिडक्टिव मीडियम में, मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ZnH2O ले लिया जाए रिडक्टिव मीडियम में, तो ये सिंपली ब्रेक होगा और यहाँ पर ये वाला ग्रुप मेरा एल्डिहाइड हो गया और ये वाला ग्रुप कीटोन हो गया। यही अगर ऑक्सीडेटिव मीडियम में, मतलब O3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 अगर आपको लिखा हुआ है तो परोक्साइड इसे ऑक्सीडाइज करेगा, तो कीटोन जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये सेम कीटोन का कीटोन ही रहेगा, लेकिन ये एल्डिहाइड जो है ये सेम कार्बन नंबर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलेगा। तो जो ऑक्सीडेटिव क्लेवेज विद हॉट पोटासियम परमैंगनेट है वो सेम है ओजोनोलाइसिस का, ऑक्सीडेटिव मीडियम में जो प्रोडक्ट होगा वही होगा। तो यहाँ पर हम ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट लिखें या ये वाला जो है ये ओजोनोलाइसिस से भी पॉसिबल है और हॉट KNO4 से भी पॉसिबल है। दोनों सेम है। नोट कर लें। चलिए अब देखते हैं ये यहां पर क्या दिया गया है। सो ऑक्सीडेटिव क्लेवेज इज नथिंग बट, अगर ये टर्मिनल में है तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, टर्मिनल में नहीं है यानी ये अगर कीटोन है तो कीटोन ही रहेगा। एक और बात है कि ऑक्सीडेटिव क्लेवेज में अगर वो सिंगल कार्बन का ही हो, मतलब इस तरीके से डबल बॉन्ड है जहां पे टर्मिनल में दोनों एच है, ये सिंगल कार्बन है, यहाँ पर कार्बन दूसरा नहीं है, तो पहले तो रिडक्टिव मीडियम में ये बनता है,
फिर ये जब ऑक्सीडाइज होता है तो ये फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। तो जहां पे फॉर्मल्डिहाइड हमारा रिड्यूसिंग मीडियम में फॉर्मल्डिहाइड बनता है ओस्मोलाइसिस में, वहीं पे ऑक्सीडेटिव मीडियम में ये CO2 बन जाता है, और हॉट KMnO4 के साथ भी ये CO2 ही प्रोडक्ट बनता है। सो वेरी इजी टू रिमेम्बर। एग्जाम्पल्स आर हियर, यहाँ पे एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड से एसिड बन गया, ये कीटोन है, कीटोन को कीटोन ही छोड़ना पड़ा, कीटोन का कीटोन ही रह गया। अगेन दिस एग्जाम्पल, ये साइक्लिक है तो ये टूट गया बॉन्ड, एल्डिहाइड ग्रुप एल्डिहाइड बन के रह गया, सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और कीटोनिक ग्रुप कीटोन में ही रह गया। The moderate oxidation using HiO4 or lead tetraacetate give rise to ketones or aldehyde. HiO4 is similarly as O3 ozonolysis. Now the reaction of alkene with H2SO4, H plus HSO4, HSO4 minus. जो फर्दर यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होकर इस तरीके से अल्कोहल दे रहा है। तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एच प्लस एंड एच एस ओ फोर माइनस, ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है OHSO3- और ये एच प्लस। तो दिस इज बेसिकली एडिशन ऑफ एच प्लस एंड OSO3H जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दिस इज अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और इसमें भी मार्कोनिकोव रूल ऐड होगा, मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा, और अगर इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करें तो दिस ग्रुप विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय OH। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है तो आप देखें इसमें H प्लस विल गो हेयर, यहाँ पर ज्यादा हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव, और अगर इंटर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट से देखें तो हाइड्रोजन यहाँ आता है तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, एच प्लस अगर यहाँ आ रहा है तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, विच इज मोर स्टेबल इन कंपेरिजन की कार्बोकेटाइन इस पोजिशन पे बने। तो यहाँ पर एच आ गया और यहाँ पर इसका कंजुगेट जो है वो OSO3H आ गया है, और यहां से मेरा हाइड्रोलाइसिस करने से फिर ये OH में कन्वर्ट हो गया। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्केन्स विद मार्कोनिकोव रूल आर रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन इज दिस। सो यहाँ पर जो हाइड्रेशन का ऑर्डर होगा वो इस तरीके से होगा, क्योंकि इसके इंटरमीडिएट्स जो बनेंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे, इसमें यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनेगा इसमें कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा और यहाँ पर कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा। तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। इस वजह से इसका ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन जो है इस तरीके से होगा, हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ HOH। Now the reaction of addition of ROH. So here R is positive part and no here ROH में H plus and OR minus, okay H plus and OR minus इस तरीके से ये जुटेगा, फिर से ये मार्कोनिकोव एडिशन आप फॉलो करें और हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराया जा रहा है जिससे कि H plus पहले यहाँ आ जाए तो कार्बोकेटाइन यहाँ बने, अब ये कार्बोकेटाइन जो है वो ROH से रिएक्शन करेगा तो इसका लोन पेयर जो है इसके साथ ऐड होगा, तो RCH यहाँ पर हो जाएगा OR और H यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से CH3 होगा। अब ये H प्लस जो है वो इसका कंजुगेट बेस जो HSO4 माइनस बच रहा है वो लेकर इसको जाएगा, तो रिमूवल ऑफ H प्लस यहाँ से होगा और हमारा प्रोडक्ट RCH OR और CH3 बनेगा जो यहाँ पर है। इसे R डैश यूज किया गया है तो यहाँ R डैश और R डैश आप लगा लें। सो ये इसका मैकेनिज्म है।
Addition of O2. Alkenes on reaction with O2 or with peroxy acid in presence of catalyst AZ gives epoxides. It is syn addition. Epoxide ka syn addition hota hai. To ye yahan se dekhen. Ab hai isme substitution reaction. To alkene mein allylic substitution reaction possible है. Alkene के bond को छोड़कर उसके बगल वाले जो hydrogen हैं, जैसे यहाँ allylic position के जो hydrogen है alpha position पे, वो substitute होता है और उसे हम लोग NBS से, normal bromosuccinamide से कराते हैं. तो NBS is basically used to provide low concentration bromine और इस low concentration bromine से जो यहाँ पर alpha वाले hydrogen हैं, वो substitute होकर हमारा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देता है. ये फर्स्ट एग्जांपल है और यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वो ये हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होकर ये Cl2, ये हायर टेम्परेचर पर Cl से भी ये रिएक्शन पॉसिबल है. सो दिस इज द एग्जांपल, यहाँ पर Cl2 लिया गया है, तो इसका जो अल्फा पोजिशन है वो पोजिशन ये है, तो इस पोजिशन पे Cl आ गया है सब्स्टिट्यूट होकर, से इसका Cl2 से कराया गया, तो फर्दर इस पोजीशन पे भी Cl आ गया. अब अल्कोहलिक KOH ये इलिमिनेशन कराएगा, डिहाइड्रोहैलोजनेशन कराएगा, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है और ये यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो HCl रिमूव होगा यहाँ से, और HCl रिमूव होगा इससे ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड यहाँ जनरेट हो जाएगा. नाउ द रिएक्शन आइसोमराइजेशन. सो AlCl3 के साथ अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके एल्कीन को हम रखें तो इसके डिफरेंट आइसोमर्स हमें मिल सकते हैं. दीज रिएक्शंस आर नॉट वेरी कॉमन एंड वेरी लिस्ट आस्क्ड इन एग्जाम. इसका एक मैकेनिज्म दिया हुआ है, आप देखिए, इट्स वेरी इजी टू नो. Now the acid catalyzed dimerization of alkene. This is one of the good reaction of alkene. ये alkene का एक अच्छा reaction है और इसमें जो होता है वो H+ से यहाँ पर, तो इसकी एक mechanism इसमें दी हुई है, नहीं दी हुई है, चलिए मैं आपको बताता हूँ. तो इसकी जो mechanism है वो कुछ इस टाइप से है कि जो हमने 2 mole of alkene लिया है वो यहाँ पर है CH3C, CH3CH2. अब इसमें फर्स्ट मोल में यहाँ डबल बॉन्ड है, H+ दें तो H+ यहाँ आएगा. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, हम जान रहे हैं कि हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, तो ये कार्बोकेटाइन हमने बनाया. अब जो ये कार्बोकेटाइन है वो इसी के दूसरे मोल पर ऐड होता है. वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन. अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसमें ये काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है. तो ये जो कार्बोकेटाइन है यहाँ पर, ये अभी इस पर आएगा क्योंकि पॉजिटिव यहाँ आना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, बार बार हमें ध्यान रखना है. तो यहां से हो जाएगा CH3, ये CH3 यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये CH2 से ये वाला कार्बन यहाँ ऐड हो जाएगा CH3 CH3 और हो जाएगा यहाँ पर CH3. अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसका जो एसिड हम लोगों ने यूज किया है H+, इसका जो कंजुगेट बेस होगा वो इस एच को, यहाँ पर 2 H है, 1 H यहाँ ले लिया जाए इसे, तो इसमें जो कंजुगेट बेस होगा वो बेस इसे लेकर जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा. तो CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH और इससे जुड़ा हुआ है C से CH3 CH3 CH3. तो ये हमारा प्रोडक्ट है. तो अब एक चीज देखने का है, जो मैंने बनाया है वो मेजर प्रोडक्ट है. ये टर्मिनल पर ये जो हाइड्रोजन है इसे भी ये बेस एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है और ये प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल प्रोडक्ट क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है. आप देखेंगे इस एल्कीन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 336 है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो है ये 3 और इससे इधर वाला
भी आप काउंट कर सकते हैं. तो इसमें लेसर अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें मोर अल्फा हाइड्रोजन है, तो दिस वन विल बी मेजर प्रोडक्ट. मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज स्टेबलर देन लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, टर्मिनल एल्कीन ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन. अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है. तो ये इसका एक मैकेनिज्म है. तो मैकेनिज्म अभी समझ गए तो इसका रिएक्शंस भी आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. चलिए देखें. सो अगर यहां पर एक ही एलिमेंट में दो डबल बॉन्ड है तो ये साइक्लाइशन को जाएगा. एक एच प्लस यहां पर आप डालें, यहां पे कार्बोकेटाइन बनाए, एच यहां आएगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर ये कार्बोकेटाइन जो है इससे ऐड होगा ताकि कार्बोकेटाइन यहाँ बने. तो ये 1 2 3 4 5 का रिंग बना और प्रोडक्ट आपका यहाँ से एल्कीन निकाल के ये बना आपका मेजर प्रोडक्ट. यहाँ पे टर्मिनल पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ये बॉन्ड सब्स्टिट्यूटेड पोजिशन पे है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड इज मेजर प्रोडक्ट. इसका मैकेनिज्म यहाँ पर दिया गया है, ओके, जो हम लोगों ने पहले देख लिया है. ये फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है एल्कीन का. नेक्स्ट इज कंबशन ऑफ एल्कीन. फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन इज वेरी इजी रिएक्शन. आप इथिलीन एंड मोल लेकर पॉलीथिलीन बना सकते हैं, वेरी इजी टू नो. इसका मैकेनिज्म मैं अभी नहीं बता रहा हूं, काफी आसान है. नेक्स्ट रिएक्शन इज कम्बशन. तो कम्बशन जो है किसी भी हाइड्रोकार्बन की आप करें तो कंप्लीट कम्बशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही आपको मिलेगा, बस रिएक्शन को बैलेंस ही आपको करना है. तो थैंक यू वेरी मच. ये एल्कीन आपका यहाँ पर खत्म हो रहा है, लेकिन एल्कीन में बहुत सारी चीज और भी हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में इलिमिनेशन आता है, एल्काइल हैलाइड के इलिमिनेशन से एल्कीन बनता है. तो वो सारे रिएक्शंस हम तब पढ़ेंगे जब हम एल्काइल हैलाइड चैप्टर पढ़ेंगे. और एल्काइल हैलाइड में अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन पढ़ेंगे आगे के क्लासेस में. तो आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और एंजॉय करिए पढ़ाई को. थैंक यू वेरी मच. आई होप बच्चों की आपको आज का ये क्लास अच्छा लगा हो, आपने एंजॉय किया ये क्लास. तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और दूसरे बच्चों को भी इसे फॉरवर्ड करें. और हाँ, अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें.